हेलो दोस्तों, मैं गुड्डी हमारे रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं चौराई का साग। वैसे तो नवरात्रि चल रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज के बनाना है, तो मैं सिंपल ही बनाऊंगी इसको। चौराई के साग के चार चार पांच किस्में होती हैं। ये देसी चौराई का साग है, एक लाल वाला भी होता है, एक ग्रीन वाला, हरा पत्ता चौड़ा वाला होता है। चार पाँच तरह की किस्में होती हैं इसकी। हम इसे पहले साफ कर लेंगे, तोड़ लेंगे और उसके बाद पानी से वॉश कर लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और इधर हमने पत्तों को छांट के धो लिया है और इसको काटते नहीं हैं, इसको कढ़ाई में ही हम अच्छे से पका लेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे। हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे, ये देखिए बस, और ये हमने अपना तैयार कर लिया है। ये टमाटर हैं, सूखी मिर्च, जीरा और थोड़ी सी हींग। हम लहसुन प्याज के बगैर बना रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। मैं इसके साथ आपकी अपनी वीडियो लहसुन प्याज वाली भी शेयर करूंगी जल्दी ही। ये देखिए तेल गरम हो रहा है, अब हम अपना जीरा, सूखी मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हमने इसमें कोई भी फालतू मसाले नहीं डालना है, हल्दी, धनिया पाउडर कुछ कुछ भी नहीं डलेगा। बस जो डलना था वो डल गया, सिर्फ नमक डलेगा। हमारा जीरा चटक गया, अब टमाटर हल्का सा पक जाए, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम साग डालेंगे इसमें तो पक जाएंगे साथ में। आप आराम से इसको डाल दीजिए इसमें, ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के, जब ये गल जाए तो थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। हम इसमें अब नमक डाल लेते हैं, मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। नमक की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है क्योंकि साग गल जाएगा इसीलिए, और साग वगैरह में नमक कम मीठा अच्छा लगता है। कम ज़्यादा हो जाए तो आप डाल सकते हो, पर ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल काफ़ी होती है। और इसमें प्याज भी नहीं है ना, फ्लेम को हम बिल्कुल कम कर देंगे और इसको मीठे मीठे फ्लेम में ढाक ढाक के पकाएंगे। अब इसे घोल के देखते हैं, दो मिनट हो गया, ये गल गया और कम हो गया। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा साग इसमें डाल देंगे ऐसे आराम से। अब फिर हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर रुक के अपना फिर से साग डाल देंगे। जब साग वगैरह बनाते हैं तो ऐसा ही बनता है। जब मैंने सरसों का साग बनाया था तो अभी उसे भी रुक रुक के डालना पड़ता है, एक बार में कोई भी साग नहीं डलता। इसको घर में बनाएं, ट्राई करें। ये देखिए, जब हम इसको ऐसे कुछ कुछ करते हैं तो बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, बिल्कुल चटनी के जैसे बन जाता है। आप भी ऐसे कर लीजिए, उसके बाद बस ये तैयार है। आप इसको दाल चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, घर पे बनाइए, सबको खिलाइए। ये देखिए, मैंने इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर लिया है। आप जब भी इसे बनाएं तो मेरे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।